टुडे वी आर डिस्कस नेपाल इंडिया ट्रेनी डिस्प्यूट। बेसिकली ये डिस्प्यूट चाइना के फोर्सफुली एक एग्रेसिव मूड के कारण हो रहा है, क्योंकि चाइना की एक पॉलिसी है जिसका आपने नाम सुना हो, डेफ्ट डेफ्ट ट्रैप्ड पॉलिसी। इसका मतलब है चाइना किसी भी देश को जो अपनी वास्तविक इकोनॉमी से बहुत ही बदहाल हो, ठीक ठाक से ग्रोथ ना कर रहा हो, जैसे कि पाकिस्तान को उसने पूरी तरह अपने ऋण जाल में फंसा कर बर्बाद कर दिया। ठीक, हम इंडिया के साउथ में बात करें तो श्रीलंका को उसने डेफ्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसा कर पूरी तरह बर्बाद कर लिया। और हाल ही में म्यांमार के साथ में उसने भी एक मैक साइन किया था, जिस तरीके से पाकिस्तान से चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को उसने मंजूरी देकर वहाँ का अपना बहुत सारा भारी का भरकम लेकर वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, जिससे उनके यहाँ की कंट्री को रोज़गार भी मिल रहा है और पाकिस्तान के रोज़गार को उन्होंने छीन लिया। तो एक व्यापक जन आक्रोश वहाँ व्याप्त था। उसी कदम पर चलते हुए नेपाल ने इंडिया के और नेपाल के बीच में एक ब्रास सिचुएशन खड़ी कर दी है, जिसे आज हम समझेंगे। बेसिकली हम यहाँ बात करने वाले हैं गोरखा रेजिमेंट, इस पर इतना विवाद क्यों है, क्यों है ये सुर्खियों में आजकल बहुत ज़्यादा, लोग इसको तवज्जो इतना क्यों दे रहे हैं, तो हम देख लेते हैं बारी बारी इनको। पंजाब में 1806 में राजा रंजीत नाम की एक राजा हुआ करते थे। उस समय उनका शासन पंजाब राज्य में चलता था। उस समय नेपाल और भारत में एक विशेष यूनिटी देख सकते थे। उस समय के संबंध और आज के संबंधों में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं कि छोटे मोटे बदलाव आते रहते हैं समय के साथ। तो वहाँ 1806 में राजा रंजीत जो पंजाब के राजा थे, उस समय उन्होंने नेपाली भाइयों जिन्हें स्पेशल गोरखा गोरखा वहाँ की बहुत सारी जातियाँ हैं, जैसे चेचरी और गोरखा और बैरियस वहाँ जाती हैं, लेकिन गोरखा नाम की इस जाति में विशेष हुनर था। ये एक सिक्वेंसल बे में पर्वतों पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा माहिर है। उनकी इस प्रभावित संभावित इनकी एक्टिविटीज़ को देखकर राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक विशेष टाइप का फोर्स बनाने के लिए इनको प्रेरित किया। उस समय का ये फोर्स चलता रहा निरंतर, और कुछ समय के बाद ब्रिटिश पीपल्स या जो अंग्रेज हम कह सकें फिरंगियों ने देखा उनका जोहर और कला और उनकी बहादुरी, तो उन्होंने लगभग 24 अप्रैल 1815 में एक गोरखा रेजिमेंट का निर्माण कर दिया। वही रेजिमेंट का निर्माण आज गोरखाओं की बहादुरी और सैन्य क्षमताओं अद्भुत कुशलता के कारण आज भी फेमस है, और वो सीढ़ी क्रम उसमें वृद्धि होती गई, उनके वीरता के किस्से निरंतर बढ़ते गए और कई लोग प्रभावित हुए इससे। अब तो ब्रिटेन भी प्रभावित हुआ, इंडिया नेपाल और वेरियस कंट्री ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रियां भी इससे प्रभावित हुई। इसी क्रम में देख लेते हैं 1815 का ये, तो बेसिकली वहाँ से भी ये सफ़र जारी रहा। उसी क्रम में अंग्रेजों के बीच एक संधि और हुई, वो बेसिकली संधि थी 1816 की, जिसे हम सिगौली संधि के नाम से जानते हैं। बेसिकली सिगौली संधि के दौरान 1947 के बाद जब जो अंग्रेज इंडिया छोड़ के जा रहे थे, तो उस समय नेपाल एक ऑटोनोमस कंट्री कह सकते हैं या फिर छोटा सा प्रोविंस था जो कभी अंग्रेजों के टच में तो रहा, लेकिन उस पर एक गुलामी की प्रथा जैसी कोई चीज़ थोपी नहीं गई ना उन्होंने एक्सेप्ट की, और मुझे लगता है कि शायद ब्रिटिशर्सों का वहाँ तक दिमाग नहीं गया या उन्होंने कैच नहीं किया, उसे पकड़ना उतना सार्थक नहीं समझा। लेकिन यही चीज़ रिवाइव होते होते 1947 में यहाँ तक पहुँच गई कि स्पेशल जो नेपाली हमारे भाई थे उनकी जिम्मेदारी ब्रिटेन इंडिया को सौंप कर चला गया। उसी समय सिगौली की संधि में क्या है, भारत और नेपाल के बीच में कुछ विवादित सीमाएं थीं, उन विवादित सीमाओं को एक तरह से इस संधि के जरिए स्टेबलाइज किया गया था कि जिस सीमा तक आप हैं वो आप वहीं तक रहेंगे, इसका जो मीडिएटर रहेगा वो ब्रिटेन ही रहेगा।
तो सिगौली की संधि विशेषकर नेपाल और भारत के बीच कुछ सीमाओं को निर्धारित करता है। जिस तरीके से एक यहाँ पर काला पानी क्षेत्र है, वहाँ एक नदी बहती है, उसके राइट और लेफ्ट का एक बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो सिगौली की संधि के नाम से इस्टेब्लिश है। उसी क्रम में 1947 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, तो उन्होंने नेपाल की आर्मी, नेपाली जो भाई उस समय गोरखा रेजिमेंट, अब ये धीरे धीरे 24 अप्रैल 1815 में बनी, उस समय ये काम करते करते और 1947 में फाइनली अंग्रेज यहाँ से जाने वाले थे। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हमारे गोरखा जो बहादुर भाई हैं उनको इंडिया के हवाले कर दें। लेकिन उन्होंने यहाँ तीन थ्री ट्रिपल एक संधि की, जिसमें इंडिया और ब्रिटेन प्लस नेपाल, बेसिकली इस संधि में कहा यह गया था कि यदि हम नेपाली भाइयों को जो आजकल हमारी आर्मी में काम कर रहे हैं, अच्छी वीरता से काम कर रहे हैं, उनको पोस्टपोन ना किया जाए, आगे किसी और के हवाले ना किया जाए, बेहतर होगा यदि भारत चाहे तो इनको अपनी आर्मी में बाकायदा कमीशन देकर रख सकता है। उस समय भारत और नेपाल के संबंध इतने मधुर थे, और बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि आज भी हैं, लेकिन अगर पड़ोसियों के कुछ इन्फोर्समेंट के कारण अगर कुछ छोटी मोटी ये झड़पें होती हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन उस समय भी इंडिया ने इस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, और आज एक्सेप्ट करते करते आज 1947 के बाद से 2020 आ चुका है, और ये संधि लगातार खबरों में भी रही है। तो उस समय नेपाल की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का जिम्मा भी सिगौली के संधि के नाम से भारत ने ही लिया था। उस समय के बाद 1947 के बाद ब्रिटिश यहाँ से चले गए, लेकिन उनके दिमाग पर और मन पर गोरखा भाइयों की छाप अद्भुत थी। उन्होंने यहाँ तक यहाँ से जाने के बाद भी अपनी ब्रिटेन की संसद में और वहाँ की रानी एलिजाबेथ के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एज ए दो गोरखा गार्ड हमेशा के लिए परमानेंट कर रखे हैं। यदि उनका रिटायरमेंट फिक्स होता है तो वो नेपाल आकर पुनः उन्हें नियुक्ति देते हैं, उन्हें अपॉइंटमेंट करते हैं और वो ब्रिटेन जाते हैं। इस तरीके से एक बड़ा सिंबल बन गया गोरखाओं की बहादुरी का। उसी परिप्रेक्ष्य में इंडिया में लगभग वर्तमान में 32,000 सोल्जर जो गोरखा कार्यरत हैं। अगर मैं इंडिया की सेक्शन वाइज आर्मी की बात करता हूँ तो यहाँ पर बटालियन 3, 4, 5 बेसिकली 9, 11 एंड अनदर बटालियन में लगभग 800 से ज़्यादा हमारे गोरखा भाई कार्यरत हैं। और गोरखाओं की एक विशेष कथन शैली, या फिर ये कहें कि बहादुरी का एक स्टेटमेंट है, लगभग गोरखाओं की 800 से ज़्यादा सैनिक आज विभिन्न बटालियों में काम कर रहे हैं, अलग अलग बटालियंस में काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय गोरखाओं का एक स्टेटमेंट है जो कि एम मानेकशॉ द्वारा कहा गया था, यदि कोई सैनिक ये कहता कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो निश्चित वह या तो गोरखा है या फिर वो गोरखाओं के दल से ही है। इस तरीके का एक कथन था। और दूसरा गोरखा सैनिकों का एक कथन है, जय माँ काली। और इनका हथियार है खुखरी। खुखरी बेसिकली नेपाल का एक कल्चरल वेपन है, जिसे थोड़े इस तरीके के आकार में हम देख सकते हैं, इस तरीके का वेपन होता है, और ये बहुत ही माहिर होते हैं युद्ध कला में, पहाड़ों पर चढ़ने में, क्लाइंबिंग में, बहुत सारे चीज़ों में ये डिफरेंट होते हैं और सारे सैनिकों में। तो ये एक इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा बेस है, और इससे हमें बल भी मिलता है और इससे हमारे संबंधों में एक मधुरता होती है। उसी क्रम में हम देख लेते हैं और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आजकल जिस क्षेत्र में विवाद चल रहा है उसमें चाइना इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? बेसिकली भारत के मैप में कुछ यहाँ विवादित पॉइंट थे, जो समय उस समय काली रिवर और भारत और नेपाल के बीच में जो काली रिवर का डिवीज़न होता है उसके राइट और लेफ्ट में जो संधि थी वो सिगौली की संधि, सिगौली संधि के नाम से वहाँ पर थोड़ा स्टेबिलिटी थी उस समस्याओं को। तो अब उन्हीं को चाइना एक एक कर रिवाइव कर रहा है, और हाल ही में नेपाल ने अपना नया मैप जारी किया जिसमें भारत की कई विवादित टेरिटरी को उसने अपने क्षेत्र में दिखाया। और अब विवाद ये तब और तूल पकड़ जाता है जब नेपाल ने कहा कि हम अपने नए अपडेटेड मैप को यूएन लेके जाएंगे। तो बेसिकली यूएन ले जाने में लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल ले जा सकता है, कोई भी कंट्री ले जा सकती है जो यूएन का सदस्य हो। बेसिकली यूएन में जाने के बाद यूएन विवादित क्षेत्रों को जल्दी ही
वेरीफाई करता नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या भारत की डिप्लोमेसी में कोई कमी रही है, या फिर आने वाले समय में हमसे कोई ऐसी चूक हुई जो नेपाल इस कदर चाइना के जाल ट्रैप्ड डेप्ट ट्रैप्ड जाल में फंस रहा है, जिससे और भी कंट्री फंस कर पूरी तरह बर्बाद होंगे, जिनके उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। तो इसी क्रम में यहाँ तीन विवाद थे, बेसिकली काला पानी, लिम्पा धुरोई, और एक विवाद और था जिसे हम कह सकते हैं लिफुलेख विवाद। और इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि टोटल भारत की जो सीमा रेखा है वो भारत के साथ लगभग 1751 किलोमीटर है, और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें लगभग 1088.02 किलोमीटर ये हिमालयन हिमालयन है, जो प्रोटेक्ट है सिगौली की संधि के नाम से। और भी बेसिकली पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं, कंट्री अगर नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, कैसा कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री बेसिकली ऐसी कंट्री होती है जिस कंट्री के चारों तरफ सिर्फ भूमि से घिरा हो, कोई समुद्री मार्ग ना हो, कोई जलीय तटीय सीमा ना हो, तो ऐसी कंट्री को हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। बेसिकली और भी कई लैंडलॉक कंट्री हैं वर्ल्ड में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और भी कौन कौन सी लैंडलॉक कंट्री हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ एक विवाद भारत और चीन के बीच हमेशा से और रहा है, जिसमें चाइना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो भारत की डिप्लोमेसी को ज़रूरत है कि वो चाइना के विवादित क्षेत्रों को उठाए, यूएन में ले जाए और उनका समर्थन करें खुल के, जिस कदर चाइना इंडिया के जो डिस्प्यूटेड क्षेत्र हैं उनको इस समय शो अप कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान इंडिया की डिप्लोमेसी को भी ज़रूरत है कि चाइना और अन्य देशों के विवादित क्षेत्रों को समर्थन दे, आगे बढ़ाए। इसी तोल में मैं कह सकता हूँ एक बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि जब विपक्षी हमारा हमारे डिस्प्यूटेड क्षेत्र को उठा रहा है, तो ज़रूरत है कि हमें उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ उसके जैसा सोचने की ज़रूरत है। और हम देख लेते हैं इसी क्रम में कि 1947 के बाद से ही चाइना एक तरीके से हमारे पीछे पड़ा हुआ है और सारी कंट्रियों को वो इतनी बुरी तरह फंसा लेता है, चाहे वो ईरान के साथ बिगड़ते संबंध हो या फिर और भी कई चीज़ें हैं, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, या फिर हम और भी कई क्षेत्रों में बात कर लेते हैं। नेपाल की इस समय GDP 30 बिलियन US डॉलर है। अगर हम यहाँ के पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो वो 3,318 US डॉलर है। और भी कई चीज़ें हैं जो नेपाल और इंडिया को एक सुगम रास्ता प्रोवाइड करती हैं, और ये तो संबंध हमारे इतने जल्दी फ्लॉप नहीं हो सकते। मैं कह सकता हूँ कि ज़रूर हमारे डिप्लोमेसी में या फिर चाइना और इंडिया की डिप्लोमेसी में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिन पर मुझे लगता है कि इंडियन डिप्लोमेट को देखना चाहिए और समझना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ डिस्प्यूट जो टेरिटरी है उनको भी उठाना चाहिए। यदि आप हमें जिस तरीके से टैकल कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में एक वास्ट सिचुएशन आएगी, जिससे निपटने के लिए मुझे लगता है अपने डिप्लोमेट्स कुछ अच्छा कदम उठाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में और भी देख लेते हैं कि नेपाल लगभग 49th भी स्थान पे है, अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें, पॉपुलेशन वाइज पूरी दुनिया में नेपाल का जो स्थान है वो 49वां है, और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो लगभग 93rd पूरी दुनिया में, 93rd वा एरिया वाइज है। और यहाँ के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं, यहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली है। और अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो यहाँ लगभग 81 रिलीजन की बात करो तो लगभग 81.4%
या हिंदू हैं, और वेरियस रिलीजन्स भी यहाँ हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चाइना हमारे पीछे इतना क्यों पड़ा रहता है। चाइना जानता है आने वाले समय में इंडिया में एक बड़ा मार्केट है, चाहे वो ई कॉमर्स का हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक का हो, गैजेट्स का हो या फिर एक्सपोर्ट एम्पोर्ट का हो। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और दुनिया की सारी कंट्रियाँ अपनी इकनॉमी को आयात इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर काम करना चाहती हैं। उसी क्रम में चाइना जानता है कि यदि हम इंडिया के मार्केट को पूरी तरह से या तो अपने कब्जे में ले सकें या फिर उसके मार्केट को इस तरह से ध्वस्त किया जाए कि वो आने वाले दिनों में जल्दी खड़ा ना हो पाए। तो मुझे लगता है मैंने बेसिक बेसिक सारे पॉइंट इसको मैक्सिमम्स किए हैं। अगर आपको लगता है कुछ मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में इसको मैंसन कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।